तो आज आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम पैशन और क्रिकेट और मैं हूं आपको दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के मैच को जो IPL में खेला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा। और देखिए मैं जब से IPL शुरू हुआ मैंने एक चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दी और शायद मेरी बातें कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके का एक परफॉर्मेंस अभी हाल ही पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट मेरी बातों को सुन रहा है। स्पेशली क्या था कि IPL में जो एक रन चेज की डेवलपमेंट हो रही थी ना कि 200+ 220 ये स्कोर वहाँ बॉलर अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा था या टीम कैप्टन जो मैनेजमेंट है वो बॉलरों से ज्यादा उम्मीद नहीं करती। लेकिन पिछले 4-5 मैचेस को आप देखें तो मैचेस बिल्कुल चाहे वो अभी हालिया में KKR का एक मैच था, एक सनराइज हैदराबाद का मैच था, फिर दिल्ली का मैच, उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से वो मैच खेला गया। तो ये मैचेस दर्शाते हैं कहीं ना कहीं गेंदबाजी बेहतर हो रही है IPL में और गेंदबाज अब मेहनत कर रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो। जैसे दिल्ली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिस तरीके से हैदराबाद की गेंदबाजी रही हम सब ये हैदराबाद की गेंदबाजी से बहुत हद तक वाकिफ है। भुवनेश्वर कुमार आई थिंक इस खिलाड़ी का चलना इसके लिए तो बेहतर है। सबसे जरूरी इस खिलाड़ी का खुद के लिए बेहतर है क्योंकि जिस खिलाड़ी का इतना नाम आज वो गर्श में नजर आता है, आज वो कहीं भी नजर नहीं आता, इसलिए खुद को बेहतर बनाए कि आगे आने वाले समय में अपना और अच्छा बेहतर कर सके। मार्को जॉनसन, वॉशिंगटन सुंदरन, टी नटराजन, मार्क कंडे, उमरन मलिक और माक्रम। स्पेशली मैं टी नटराजन की बात कर लूँ, टी नटराजन ने पिछले एडिशन या उससे पिछले वाले एडिशन में कितनी शानदार गेंदबाजी की थी हम सभी जानते हैं। इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट डेप्थ बॉलर एंड स्पेशलिस्ट इन यॉर्कर डिलीवरीज। ये चीजें थी इस खिलाड़ी के अंदर, ये थी। लेकिन अब के जो मैचेस चालू हुए इस एडिशन में शायद इस खिलाड़ी के से वो चीजें उम्मीद नहीं हो पाई। रीजन बिहाइंड दैट मैं नहीं जानता हूँ क्या हो सकता, लेकिन कहीं ना क्योंकि शुरुआत में आपने जो बेस बनाया, जो जिस चीज को आपने अपना हथियार बनाया, उस चीज को जब आप डेवलप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको मेनली फोकस करो, उस चीज पे उसे आगे लेके जाना चाहिए। यही काम नटराजन करते नजर नहीं आया। वार्नर किस रन पर आउट हुए, सॉल्ट इस बार ओपन क्योंकि पृथ्वी शॉ पर आउट बिठाया गया, वो 0 पर आउट हुआ, भुवनेश्वर क्योंकि निकाले मार्च 25 रन और देन अक्षर पटेल एंड मनीष पांडे। तो अगर हम दिल्ली की पारी को देखते हैं, अक्षर पटेल एक और मैच उनसे पहले उन्होंने खेला था, उन्होंने एक ठीक इसी तरह की पारी की उम्मीद करी थी जिसमें बॉलर एक एंड से थे और उसमें मनीष पांडे ने इस मैच में अच्छा स्कोर किया। तो अगर मैं दिल्ली की बल्लेबाजी की अगर मैं पूरी बात करूँ, डेविड वार्नर हर मैच में अगला खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है। मिचेल मार्श का परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन रहता है, लेकिन उसके बाद जो ओपनिंग स्लॉट है ना वो एक चिंता का विषय दिल्ली के लिए बना हुआ कि जब तक ओपनर नहीं परफॉर्म करेंगे बाकी खिलाड़ी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। और ये एक ऐसा विषय है जिसपे दिल्ली मैनेजमेंट को सोचने की जरूरत है क्योंकि या तो अक्षर पटेल अगर बेहतर कर रहे हैं उन्हें और ऊपर प्रमोट कीजिए जब तक कि कोई नया फाइंड आउट आपके पास नहीं आता। लेकिन ये गेंदबाजी, लेकिन ये बल्लेबाजी, ये इसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। बल्लेबाजी जिस तरीके से दिल्ली की टीम कर रही है बहुत हद तक रिलायबल है अपने टेल पे, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे उसके बाद आपका कभी कभी बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित है नॉर्थ जो बल्लेबाजी कर लेते हैं उनके ऊपर आज ये क्योंकि और ये 20-25 रन बनाते हैं तो पूरी टीम ने मिला के 80-100 रन बनाए और बाकी की इन खिलाड़ियों पर निर्भर है कि भाई तुम दोनों तीनों मिलकर 30-40 रन बना दो तो हमें फाइटेबल टोटल रहे। एंड ऑफ द रिजल्ट ये रहेगा कि हम मैच हार जाएंगे, पर हाँ ये रहेगा कि हमने 140-150 का स्कोर किया। ये जब तक मन के अंदर से नहीं निकलेगी, ये भावना जब तक दिल से नहीं निकलेगी ना आप बेहतर नहीं कर सकते हो। तो गेंदबाजी के ऊपर मैंने बताया कि जो सनराइज हैदराबाद भुवनेश्वर को 2 विकेट मिली और 3 विकेट वॉशिंगटन सुंदर को मिली, स्टार्ट से जो गेंदबाजी करते हैं जिन्होंने आपके डेविड वार्नर के विकेट निकाले उन्होंने, उसके बाद से उन्होंने अमान हकम खान की विकेट निकाली, तो ये कुछ तरीके की गेंदबाजी देखने को मिलती है स्पेशली इनके हाथ से और सुंदर के गेंदबाजी में क्योंकि स्टार्ट से करते हैं और फिर मिडिल ऑर्डर में सडनली से विकेट निकालते हैं। पर 140+ का स्कोर था, 144 का स्कोर था और इसको सनराइज हैदराबाद स्कोर का पीछा करने के लिए टीम जो मैनेजमेंट टीम उतरी मैदान पे, हैरी ब्रुक्स जिन्होंने अभी मैच 2 मैच पहले शतक इतना शानदार डाला था। मैं वही देखिए खास चीजें वही हैं कि आप 2 मैच पहले तो उसे शतक कर रहे हो और सडनली से बाकी के 2 मैचों में वो आपका परफॉर्मेंस नजर नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाई, किस तरीके की आप रणनीति या क्या आपका
पर्सोना है जिसके तरीके से आप खेलते हो, आपने कौन से कॉफी बुक स्टाइल्स को डिस्कवर किया खुद के लिए और या टी ट्वेंटी के हिसाब से? बट आई थिंक अगर आपने 100 किया हुआ है तो दैट्स बूस्ट योर परफॉर्मेंस ना, और आप अगले मैच में 100 इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, पर आप किस तरीके से पारी को संवारते हो। दूसरी एंड से मयंक अग्रवाल, आप लंबे अरसे के बाद मयंक अग्रवाल 49 रन बनाए, स्लो एंड स्टडी 39 के अंदर 49 रन थे, और शुरुआती जिस तरीके से विकेट निकल गई थी राहुल त्रिपाठी की, रैनी ब्रुक्स की, तो मयंक की पारी समझ में आती है कि बेहतरीन तरीके से खेला गया, थोड़ा सा सॉलिड बेस दिया गया था। लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, हेनरिक क्लासन 31 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने, लेकिन वो लास्ट का जो 7 रन का डिफरेंस था ना, और वो देखने को मिला 20 ओवर में 6 विकेट, और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी, हेनरिक क्लासे की बल्लेबाजी, लेकिन वो नाकाफी रहा उस जो पॉइंट के हिसाब से, जिस रनगति के हिसाब से, रनगति भी आपको 144-7 रन प्रति ओवर चाहिए थे, कोई ज्यादा रन नहीं बना रहा था आपको, लेकिन गेंदबाजी पे अगर ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ इसका मेन सूत्र लाल रंग देखना चाहे तो बॉलिंग अलर्ट सबसे पहले आते ईशांत शर्मा यार, इस पिछला मैच में ये मैन ऑफ द मैच था खिलाड़ी, इस मैच में 3 ओवर 18 रन लगे 1 विकेट, तो जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बेहतर कर रहे हैं, ईशांत शर्मा आपको याद होगा आई थिंक ही जो प्लेयर जिसने रिकी पॉन्टिंग के नाम पर दम कर रखा था अपने पहले टूर पर, भूला नहीं होगा आपके। हेनरिक नॉर्टे 4 में 33 रन 2 विकेट, उसके बाद मुकेश कुमार 3 में 27 रन, अक्षर पटेल 4 ओवर 21 रन 2 विकेट। इस ये खिलाड़ी का अभी एक टूर हुआ था इंडिया का जिसमें इस खिलाड़ी ने टेस्ट मैचेस, हाँ ऑस्ट्रेलिया खिलाफ बॉलिंग डिपार्टमेंट नादारा था, लेकिन बल्लेबाजी से इसने अच्छे अच्छे बोलते बंद कर दी थी, अच्छे अच्छे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी की गेंदबाजी यहाँ चल रही, 4 ओवर 21 रन दे के अलम 2 विकेट का ली, कुलदीप यादव 4 ओवर 22 रन 1 विकेट, मिचेल मार्श 2 ओवर 16 रन। तो जो एक देखिए हर एक गेंदबाज, ईशांत शर्मा ने 6 के एवरेज से रन दिए, तो हेनरिक नॉर्टे ने 8 के एवरेज से रन दिए, मुकेश कुमार ने भी 9 के एवरेज, अक्षर पटेल ने फिर 5 के एवरेज से, कुलदीप ने भी 5 के एवरेज से रन दिए। तो जो टाइटल सिचुएशन करते गए ना, जहाँ बीच बीच में जो स्कोर एकदम से बूस्ट हो रहा था, जब हेनरिक क्लासे बल्लेबाजी कर रहे थे, जब वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां उन्होंने बीच में एक आध स्पेल को अच्छा निकाला, लेकिन वो ना कर दोनों ही गेंद बल्लेबाजी देखो 19 गेंदों में 31 रन क्लास है और 15 गेंदों में 64, बट आई थिंक गेंदबाजी वहाँ अक्षर पटेल की ज्यादा महत्वपूर्ण रही, वो जो दूसरे लाइन पर विकेट निकाली उन्होंने, दैट वाज सुपर, क्योंकि वहां से उन्हें वो नॉर्थ ईस्ट ने फिर वो हेनरिक क्लासे का जो विकेट निकाल दिया, आई थिंक वो एक मैच बना जहाँ हेनरिक क्लासे बिल्कुल पूरी तरीके से मैच उन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा था, और वहां जब उनकी विकेट निकली दैट मीन 19वें ओवर में, ये आपको देखना होगा 19वें ओवर में वो विकेट निकलती है, उसके बाद से जिस तरीके की कारवाशारी शुरू हुई, वो एक आई थिंक कप्तानी जो इस समय की जा रही है दिल्ली की तरफ से, दैट वाज सुपर। कहीं ना कहीं कुछ प्लेयरों की अप्स एंड डाउन की वजह से दिल्ली इस समय पहली जीत जज कर पाई और इस पॉइंट टेबल इतना नीचे है, लेकिन कुल मिला के एक बेहतरीन पारी खेल रही है दिल्ली, अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, गेंदबाजी बेहतर, पर आई थिंक सबसे बड़ी इस समय जो मैनेजमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि एक अदर ओपनर टीम में शामिल किया जाए, जो आई थिंक वॉर्नर के थोड़े से बोझ को कम करे। वॉर्नर यहाँ पर क्या है, नींव बनाने में लगे रहते हैं, वो अपने आप को अपनी टीम को सुदृढ़ करने में, बेस देने में लगे रहते हैं, जबकि वॉर्नर ऐसा खिलाड़ी है कि बहुत ज्यादा अटैक कर सकता है, उसको एक एंड चाहिए कि वो वहां से सफर हो, वर्नर अपना एंड इजिली संभाल सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे एक एंड पे ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो वहां से कि हाँ भाई तुम खेलो जैसा खेलना चाहते हो। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जो कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करने के कमेंट सेक्शन या सोशल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिस लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाएंगे, तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।